कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी राज का रीवा आगमन में ग्रैंड वेलकम हुआ है। उन्होंने दो दिन पूर्व भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के हाथों बीजेपी की सदस्यता ली थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार रीवा आने पर हजारों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की अधिसूचना 21 अक्टूबर से जारी हो गई है। ऐसे में शनिवार की सुबह 11 बजे से नामांकन भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि रीवा कलेक्ट्रेट में 6 विधानसभाओं के फॉर्म भरे जाएंगे। इसी तरह नवगठित मऊगंज जिले के कलेक्ट्रेट में 2 विधानसभाओं के नामांकन फॉर्म जमा कराने की व्यवस्था होगी। बाकी आगे की प्रक्रिया रीवा जिला मुख्यालय से की जाएगी। रीवा शहरी सीट से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध शुरू हो गया है। यहां से मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने 19-20 अक्टूबर की मध्य रात्रि सोशल मीडिया के माध्यम से दुख जाहिर किया है, साथ ही खुद को कांग्रेस के सभी पदों से मुक्त कर ली है। रीवा शहर के ढेकहा मोहल्ले में बलवा करने वाले 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 18 अक्टूबर की सुबह 10 बजे आस्था मेडिकल के गार्ड से नशे में टल्ली श्रमिकों ने झूमा झटकी की, जिससे चाबी का छल्ला एक श्रमिक के सिर में लग गया। हल्का सा रक्त बहा तो मजदूरों ने चाकूबाजी की अफवाह उड़ा दी थी। लोकायुक्त संगठन रीवा की टीम ने सतना जिले की रामपुर बघेलान तहसील क्षेत्र के पटवारी को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रीवा स्थित अपने घर पर पकड़े गए पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। भाजपा से त्याग पत्र देने वाले अभय मिश्रा के खिलाफ रीवा जिले के कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सिमरिया क्षेत्र के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखकर चेतावनी दी है और कहा है कि पूर्व विधायक अभय मिश्रा रीवा जिले में फ्रॉड और शराब तस्कर है। मऊगंज कस्बे के समीप दुबगमा कुर्मियान गांव में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। वारदात के बाद युवक को गंभीर हालत में मऊगंज जिला अस्पताल पहुंचाया गया, पर चिकित्सकों ने नाजुक हालत देख संजय गांधी अस्पताल रेफर किया है। रीवा के फोर्ट रोड स्थित सराफा बाजार में राज्य कर एंटी इविजन ब्यूरो की टीम ने एक साथ 4 सराफा दुकानों में दोपहर छापा मारा। शहर में एक साथ 4 ज्वेलर्स फार्मों में छापे के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई आरके इंटरप्राइजेस, एसके ट्रेडर्स, साई आभूषण और पार्थ आभूषण में हुई है। बैकुंठपुर थाना पुलिस ने बताया कि विधानसभा चुनाव एवं लागू आचार संहिता के बावजूद बीती रात वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की कार जो चुनाव प्रचार कर रही थी, पुलिस की चेकिंग के दौरान पाया गया कि वाहन में सिरमौर भाजपा प्रत्याशी की चुनाव प्रचार की सामग्री मिली है, जिसके बाद वाहन को जब्त कर बैकुंठपुर थाने में खड़ा करा दिया गया है। विधानसभा चुनाव के सीजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। सतना जिले के चित्रकूट में उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।